नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि इस तरह का इंडी स्क्रीन अपने मोबाइल वीडियो पे कैसे लगा सकते हैं कि जैसे किसी भी वीडियो दूसरे वीडियो को आप प्रमोट कर सकते हैं। किस तरह से करना होता है ये इसके बारे में आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जब भी आप कोई वीडियो चल रहा होता है उसके लास्ट में कुछ सेकेंड पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे, मतलब जो आदमी देख रहा है उसके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिससे वो आसानी से कोई भी एक वीडियो क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकता है बिना शेयर किए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपके मोबाइल पे वो वाला वीडियो चलने लगा। तो इस तरह का इन स्क्रीन इस तरह से लगा सकते हैं, इससे आप बहुत सारी मदद होती है आपको, आपका वीडियो प्रमोट भी हो जाता है, साथ आपके वीडियो पे व्यू भी ज़्यादा आने लगते हैं। तो दोस्तों किस तरह से लगाना है इस तरह का इंडी स्क्रीन, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो आप जब भी वीडियो अपलोड करते हैं दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो है इसको अपलोड जो है आपको क्रोम से कीजिएगा। क्रोम पे अगर आपको नहीं ओपन करना आता है, तो हमने इससे पहले वीडियो बना रखी है, हम अपने इस वीडियो पे अपने इंडी स्क्रीन पे लगा देंगे, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेना है। जैसे आप क्रोम ओपन करेंगे कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है YouTubeStudio.com। जैसे आप यहाँ पे YouTubeStudio.com सर्च करेंगे दोस्तों, ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको YouTubeStudio.com पे या फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से खुल के आ जाता है दोस्तों। जैसे इस तरह से खुल के आ जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा कि आपके क्या व्यूज आ रहे हैं, कितना आपके सब्सक्राइबर हैं, वो सब आपको देखने को मिलेगा। तो जब आप यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे ये एक निशान मिल रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जल्दी से क्लिक नहीं होता दोस्तों, तो एक दो बार आपको कोशिश करते रहना है। जैसे आपका नेट फास्ट होगा तो जल्दी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे चले जाना है दोस्तों। जैसे आप मीडिया वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना वो वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको अपलोड करना है। ये हम वीडियो सिलेक्ट कर लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे अपलोड कर रहे होंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे हमारा इंडी स्क्रीन वाला ऑप्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि एक मिनट से कम का वीडियो, मतलब एक मिनट से ऊपर का वीडियो पे ही लगा सकते हैं इंडी स्क्रीन, उससे कम का वीडियो है तो यहाँ पे इंडी स्क्रीन नहीं लगता है। कुछ इस तरह का जैसे आप नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे हमने पहले से इंडी स्क्रीन लगा रखा है, तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मनपसंद कोई वीडियो सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको नीचे वाले चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको वो चीज सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप चलिए बता देते हैं कोई भी एक वीडियो, यहाँ पे वाला वीडियो हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेव वाले ऑप्शन पे ऑप्शन आता है। दूसरा वाले वीडियो पे भी आप चॉइस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों तो ये हमारा सेव हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, आप पुराने वीडियो में भी आप कर सकते हैं, पुराना वीडियो जो भी होगा आपका, जब आप पुराने वीडियो में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा इंडी स्क्रीन का, आप एडिट पे जाके इंडी स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।